तो आज इस वीडियो में आपको लेमन ग्रास फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा और कैसे किसानों को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है और बंजर जमीन भी इसकी खेती की जा सकती है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और साथ ही में आपको ये बताया जाएगा कैसे इसके तेल से 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति लीटर आप कमा सकते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कुछ ज़िलों में पिछले कुछ सालों में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। इससे ग्रामीण की आय में बढ़ोतरी हुई है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। लेमन ग्रास मुख्य तौर पर राज्य के खूंटी और गुमला जिले में हो रहा है। इसके अलावा सिमडेगा, लातेहार और लोहरदगा में भी इसकी खेती की जा रही है। लेमन ग्रास का तेल निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल दवाओं सहित कई कार्यों में किया जाता है। JSLPS द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक JSLPS से जुड़ी 16,000 महिलाएं लेमन ग्रास की खेती में जुड़ी हैं। यह राज्य के 16 प्रखंडों में हो रहा है। तो आइए जानते हैं लेमन ग्रास फार्मिंग के फायदों के बारे में। आपको बता दें कि लेमन ग्रास की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता बेहद ही कम होती है और इसके लिए झारखंड के लिहाज से यह बेहतर है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए समस्या किसानों के सामने अक्सर होती है। लेमन ग्रास की खेती बंजर जमीनों पर भी की जा सकती है और इसके लिए किसान वैसी ज़मीनों पर इसकी खेती कर सकते हैं जो खाली पड़ी रहती है। इससे खाली पड़ी रहती ज़मीनों का भी इस्तेमाल हो जाता है और लेमन ग्रास के पौधे सिर्फ एक बार ही लगाने होते हैं। इसके बाद 3 साल तक इसकी कटाई होती है। इसे लगाने के लिए सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है और इसके साथ ही इसके पौधे में कीट और बीमारियों का भी प्रभाव नहीं होता है। मवेशी भी इस पौधे से दूर रहते हैं और इसके सुगंध की वजह से सुखाते नहीं हैं। तो ये जानते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे करें। आपको बता दें कि लेमन ग्रास की खेती करने के लिए इसके पौधे खरीदने होंगे और लगभग 1 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से झारखंड में इसके पौधे मिलते हैं। इसके अलावा लखनऊ स्थित CMAP से लेमन ग्रास की बढ़िया वेरिएंट के पौधे खरीदे जा सकते हैं और झारखंड में फिलहाल सिर्फ JSSPS द्वारा लगभग 1400 से 1600 एकड़ ज़मीन में इसकी खेती की जा रही है। लेमन ग्रास के पौधे के 1 फीट की दूरी पर एक लाइन में लगाया जाता है और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच में कम से कम 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में यह पौधा फैलता है और जुलाई से लेकर सितंबर तक इसे लगाने का सही समय होता है। आपको बता दें कि कम लागत की खेती में होता है ज़्यादा मुनाफा। लेमन ग्रास की खेती में लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। 1 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करने से लगभग 25,000 रुपये की लागत आती है और 4 महीने बाद जब लेमन ग्रास तैयार हो जाता है तो इसकी कीमत 90,000 रुपये की हो जाती है। इससे किसानों को प्रति एकड़ 60 से 65,000 रुपये का मुनाफा होता है और लेमन ग्रास के करीब 5,000 डंठल से 80 किलो तक का लेमन ग्रास का तेल निकलता है। इसके अलावा खुदरा बाज़ार में 40 रुपये प्रति ग्राम की दर से लेमन ग्रास के पौधे बिकते हैं। तो आइए जानते हैं लेमन ग्रास और इसके तेल का इस्तेमाल। आपको बता दें कि लेमन ग्रास ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेंट्री और एंटी फंगल गुण होते हैं और इसके अलावा इसमें आयरन और विटामिन से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण यह कई प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है और इसके तेल का इस्तेमाल दवा, साबुन और फिनाइल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है और साथ ही में दर्द निवारक तेल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेमन ग्रास का तेल 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति लीटर में बिकता है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।